हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पाई ग्राफ, जिसको पाई चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये बनता कैसे है और कैसे हम इस चीज़ को बनाएंगे, वही मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो समझते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें फूड आइटम दिए हुए हैं, जैसे राइस है, शुगर है, साल्ट है, टी है। ठीक, जैसे खाद्य पदार्थ है चावल, चीनी, नमक, चाय, और उनका कंजप्शन दे रखा है, मतलब कितना उपयोग होता है, 12 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पाई ग्राफ या पाई चार्ट भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज लिखेंगे, फूड आइटम लिखते हैं। फूड आइटम, पहला है हमारा राइस, इसकी क्वांटिटी या कंजप्शन, तो क्वांटिटी लिख लो या कंजप्शन लिख लो, बहुत आर सेम थिंग। तो राइस है, शुगर है, साल्ट है और टी है। यहाँ इनका टोटल हो जाएगा, तो राइस है 12 kg, 3 kg, 2 kg एंड 1 kg। इसका टोटल करेंगे तो 15, 16, 17, 18 हो जाएगा, टोटल 18 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल, यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल बनेगा कैसे, ये कितना है राइस 12, तो ये ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा, और यहाँ 360 क्यों होता है, जो यहाँ पे एक सर्कल खींच लो, तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक सर्कल खींच लो, पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, तो इसी में पूरे आइटम आ जाएंगे हमारे। तो इसको 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, यानी 20 हो जाएगा। 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, 240 डिग्री। ठीक है, फिर है आपका 3 kg, तो ये 3/12 × 360, यहाँ 18 आएगा, 2 आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 2 है, 2/18 × 360 डिग्री, 18 × 2 = 20 × 2 = 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक, और लास्ट वन ये है 1 kg, 1/18 × 360, तो ये हो जाएगा 2, यानी 20 डिग्री। अगर इनको टोटल करेंगे तो हमेशा इस 360 डिग्री आ जाएगा, इनका टोटल करेंगे तो सेंट्रल एंगल, जो केंद्रीय कोण होता है, अगर हिंदी में बोले इनको केंद्रीय कोण, इसका जो टोटल है 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब आपके पास डी वन होता है, ठीक है, तो इससे हम ये जो सर्कल है, पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद इन चीजों को यहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे 240 का इससे बनेगा नहीं, तो पहले अदर एंगल ले लेते हैं। ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी लाइन को मिला देंगे, यहाँ इसका रेडियस, ये सरकमफेरेंस है, ये रेडियस है, ये सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डी रख लूंगा, तो पहला एंगल हमारा क्या है, नीचे से ले रहा हूं मैं, टी है, 20 डिग्री है, तो यहाँ पे 20 डिग्री का लगा देंगे निशान,
तो यहाँ पे फिर ये 20 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा हमारा क्या है टी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टी। उसके बाद 40 डिग्री, फिर यहाँ पे डी रखेंगे इस लाइन पे, यहाँ 40 डिग्री ये हो जाएगा, तो यहाँ हम 40 डिग्री का मिला देंगे, ये 40 डिग्री हो जाएगा हमारा शार्ट। नेक्स्ट वन इज सुगर है 60 डिग्री, फिर यहाँ पे डी रखेंगे इस वाले लाइन पे, ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल लगा देंगे, यहाँ से 60 डिग्री को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे, उसके बाद ये हमारा शुगर हो जाएगा। और ये जो बाकी जो बचा है वो ऑटोमेटिकली राइस का हो जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा पाई चार्ट बन गया, ऐसे ही इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इजीली आप कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।